बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड रोकने के लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंपनियों में गड़बड़ी की पहचान की जाएगी, डिपॉजिट की जानकारी और बैलेंस शीट को मैच किया जाएगा। कंपनियों को डिपॉजिट से जुड़ी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में देनी होगी। बड़े निवेशक डिपॉजिट नहीं मिलने पर कोर्ट जाते हैं, लेकिन छोटे निवेशक कोर्ट नहीं जा पाते हैं और नुकसान उठाते हैं। माना यह जा रहा है कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के इस कदम से छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा होगी। और मेरे साथ सुमित अग्रवाल जुड़ गए हैं, जो कि रेगुलेटरी लॉयर हैं और एक्स सेबी ऑफिशियल भी हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक बात बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है, आखिर वो किस तरह से काम करेगी और ये नई टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, आज गवर्नमेंट के सिस्टम में कंपनीज बहुत सारी इंफॉर्मेशन फाइल करती हैं। ये जितनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के सिस्टम में है, उसको एनालाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी या डेटा माइनिंग जैसी टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा लाभ उठाया जा सकता है। अमेरिका में सीनेटर कैंटवेल हैं, जो पिछले साल से एक बिल के लिए मांग कर रहे हैं कि सारे पब्लिक सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाए और अर्ली वार्निंग सिस्टम गवर्नमेंट में दिया जाए, ताकि कहीं भी कोई फ्रॉड होने की संभावना है तो उसको गवर्नमेंट से जल्दी से पकड़ा जा सके। ऐसा ही कुछ यहाँ इंडिया में करने की कोशिश हो रही है, एंड अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। एक और बात बताइए सुमित, कि अभी जो सिस्टम है उसमें क्या खामी है और क्यों गड़बड़ियों को हम नहीं पकड़ पाते हैं? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि आज की टेक्नोलॉजी में क्या खामियां हैं, पर समय के साथ में जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज डेटा माइनिंग का एक स्टेप अहेड है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो भी डेटा अकाउंट्स के फॉर्म में, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, एनुअल रिटर्न्स के फॉर्म में जो दिया जाता है MCA 21 में, उस डेटा को मैप किया जाएगा और उस डेटा को मैप करने के बाद में एक अर्ली सिग्नल मिल जाएगा कि शायद यहाँ संभावना है जहाँ और एग्जामिनेशन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ।